मोदी सरकार द्वारा देश भर में लागू किए गए एक देश एक कर यानी जीएसटी से देश का टैक्स सिस्टम सरल हुआ, तो वहीं दूसरी ओर टैक्स की चोरी पर भी विराम लगा। सरकार को मिलने वाले टैक्स की आमदनी में भारी इजाफा हुआ, तो आम लोगों को सामानों की खरीद पर लगने वाले तरह तरह के टैक्स से राहत। जीएसटी लागू होने के बाद एक भारतीय परिवार को अनाज, खाद्य तेल और कॉस्मेटिक समेत अन्य रोजमर्रा जरूरतों के सामानों की 8400 रुपए की मासिक खरीद पर टैक्स में औसतन 320 रुपए तक की बचत हो रही है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, जिसके बाद वैट और उत्पाद शुल्क जैसे 17 अलग अलग केंद्रीय और राज्य टैक्स जीएसटी में शामिल हो गए। मोदी सरकार ने जीएसटी को वस्तुओं और सेवाओं पर सभी देशों में एक ही टैक्स दर को लागू कर भारत को न सिर्फ एक टैक्स दर वाला बाजार बनाया, बल्कि पिछली व्यवस्था में मौजूद टैक्स दर टैक्स को भी समाप्त किया। यही नहीं, रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स को कम रखा गया है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को मासिक खर्च में बचत हो रही है। जीएसटी लागू होने से पहले और बाद के परिवार खर्च का विश्लेषण दिखाता है कि खाद्य व पेय पदार्थ समेत हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, वॉशिंग पाउडर और जूते चप्पल समेत 83 वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटी है। उदाहरण के तौर पर इसे इस तरह समझा जा सकता है कि यदि एक परिवार जीएसटी लागू होने के बाद एक महीने में 8400 रुपए खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत 320 रुपए होगी। अभी 8400 रुपए की वस्तु पर जीएसटी के तहत 510 रुपए का टैक्स बनता है, जबकि जीएसटी के पहले इस पर 830 रुपए का टैक्स बनता था। इस लिहाज से ग्राहकों की 320 रुपए की बचत हो रही है।